मैं रचना कैरों में टीना में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि एक कुर्ते में से हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे सात आइडिया मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो बनाने बहुत ही आसान है। ना ही इसमें आपको किसी जीपर की या तो कोई भी जात के कोई अलग से और चीज़ों को लेने की, बाज़ार में से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं। और इस कुर्ती का हमने पूरा रीयूज़ किया है और इसके बुझे हुए कपड़ों की कतरन से हमने रसोई को भी साफ़ कर लिया है। जी हाँ फ्रेंड, कुछ इस तरह के कपड़े की शॉपिंग बैग को मैंने लिया है और नीचे की तरफ से मैंने कुर्ते को कुछ इस तरह से रख लिया है, यानी नीचे का मैंने इतना ही कपड़ा मेरा यूज़ हुआ है। अब हमारी जो शॉपिंग बैग है इसे हमें चारों साइड से खोलकर अलग कर देना है और हमें इसके ऊपर हमने जो ये कपड़ा कट किया है इसे रखना है। हमें शॉपिंग बैग का और मेन फैब्रिक के दोनों ही सीधे पीसीस को अंदर की साइड रखकर भी इसमें से बिल्कुल छोटा सा हमें यहाँ पर जहाँ पर हमारा हैंडल है उतने भाग में हमने पहले सिलाई करके इसे कट कर लिया है और फिर हमें इसे चारों बाजू से सिल लेना है। और फ्रेंड, ये सारा ही काम अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप हाथ से सिलकर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी चिंता न कीजिए। बहुत ही काम का ये हमारा बैग तैयार हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड, क्योंकि अकेली शॉपिंग बैग में कई बार इस पर नाम लिखा होता है कुछ तो आपको इसे ले जाने में झिझक होती है, लेकिन इस तरह के हम बैग को बनाएंगे तो काफ़ी मजबूत भी बन जाएगी और ये काफ़ी काम की भी रहेगी। जी हाँ फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, अभी से चारों बाजू से हमने सिल लिया और ऊपर से भी हमने जहाँ पर ये हैंडल है वहाँ पर भी एक बार हमने सिलाई करके इसे पक्का कर लिया है। तो इस तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है फ्रेंड। बहुत ही प्यारी सी हमारी इस तरह से हम शॉपिंग बैग को तैयार कर रहे हैं। फ्रेंड, ये आइडिया आपको सारे कैसे लग रहे हैं मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फ्रेंड देखिए, अभी इस तरह से चारों बाजू सिल लेने के बाद इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। अभी हमने ये दोनों जो फैब्रिक है इसको अंदर की साइड रखकर हमें इसे तीन बाजू से सिलकर कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड, ये बैग आप कहीं पर भी मार्केट जा रहे हैं तो आप अपने जो पर्स है उसके अंदर भी इसे ले जा सकते हैं। बहुत कम जगह में ये आपकी आ जाएगी और ये दिखेगी भी बहुत ही प्यारी सी। अब नीचे से मैंने कुछ इस तरह से तीनों बाजू से सिलने के बाद नीचे से कुछ इस तरह से दो दो इंच पर इस तरह कपड़े को रखकर सिल रही हूँ, जिससे हमारे नीचे का जो बेस है ना वो काफ़ी मजबूत बनेगा फ्रेंड। और ये जो भाग खुला है हमारे यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से लग रहा है, तो यहाँ पर हम यहाँ से एक बार और सिलाई कर लेंगे जिससे ये बहुत ही अच्छा सा नीचे से इसका बेस बन जाएगा। मेरा मिशन आपको ईजीएस्ट वे में सिखाने के साथ साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाना भी है। मेरे इस मिशन में मुझे सक्सेस कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और फ्रेंड, जब हम कुछ ऐसा बनाते हैं ना छोटा छोटा तो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। और फ्रेंड, मैंने यहाँ पर एक चावल की बोरी ली है 5 किलो की, आप यहाँ पर आटा बेग भी ले सकते हैं। और रेंडमली मैं इसे इस तरह से बीच से कट कर रही हूँ, मैंने इसमें कोई नाप नहीं रखा है, आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लीजिएगा। और इसके साथ ही मैंने जब ये कुर्ती का नीचे का भाग बचा है ना, इसके चारों बाजू नहीं पर सिर्फ आगे की बाजू मैंने कपड़ा लगाकर साइडों से इसे सिल लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर आप हाथ सिलाई भी कर सकते हैं। और इस तरह से आप जब भी खाना बनाते हैं या तो कुछ आपको इस तरह से सुखाना है सब्जी को तो इसके लिए बहुत ही बेस्ट है, तो रसोई में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये दूसरा पीस जो है इसको भी मैंने इसी तरह से तैयार तो कर लिया था, लेकिन मैं इसे बीच में से इस तरह से मोड़ रही हूँ और साइडों से इस तरह से सिल रही हूँ। सिलने के बाद हमें क्या करना है, नीचे की साइड से हमें 1.5 इंच पर स्क्वायर बनाना है। तो ऐसे स्क्वायर हमें दोनों साइड पे बनाना है और इस तरह से आप बहुत इजी वे में छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र घर पे बना कर रख दीजिए, इसमें आप ढेरों चीज़ों को रख सकते हैं। और इस तरह से करने के बाद हमें इसे यहाँ से सिल लेना है दोनों साइड से और हमारे एक ऑर्गेनाइज़र रेडी है। जी हाँ फ्रेंड, ये ऑर्गेनाइज़र इतना अच्छा है, इतना मजबूत है और इतना अच्छा लग रहा है फ्रेंड। इसमें मैंने अपने घर में एक्स्ट्रा स्टील के ग्लास को रखा है, आप अपने हिसाब से इसमें कटोरिया को या तो कोई भी ड्रेसिंग टेबल पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब चलते अपने फोर्थ आइडिया की तरफ। कुर्ते का जो ये ऊपर का भाग बचा है ना वहाँ पर पहले हैंगर रखकर मैंने इस तरह से नाप ले लिया है और उसके स्लीव्स को अलग कर दिया है। तो स्लीव से थोड़ा ज़्यादा हमें इस तरह से यहाँ पर रहेगा कपड़ा, इस तरह से रख कर या साइडों से हमें सिल लेना है और नीचे से हमें सिंपली इस तरह से हाथ से या तो मशीन से आप सिल कर कंप्लीट कर लीजिए और आपका एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी है। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल ईजी है। बस आपको क्या करना है, अपने हैंगर को इसके अंदर आपको पहना देना है और आप इस तरह से अपने कपड़े को बहुत आसानी से धूल मिट्टी से बचा सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से आप बिल्कुल आसान में मैं अपनी कुर्तियों में से इस तरह से ऑर्गेनाइज़र को तैयार कर लीजिए। इसमें ना ही ज़्यादा कुछ आपको सिलाई करनी है और ना ही इसमें कुछ आपको और कोई वस्तु की ज़रूरत है। तो हो गया एक बहुत ही प्यारा सा
हमारा ऑर्गेनाइजर रेडी। अब चलते हैं फ्रेंड, इसकी जो स्लीव्स बच गई थी ना, इसका मैंने क्या किया फ्रेंड, इसके स्लीव्स को लिया है और यहाँ पर मैंने दही के डिब्बे में जो है, एक किलो का ये डिब्बा है मेरा, उसी में मैंने इस तरह से प्लांट को ग्रो किया है। अब इस प्लांट का जो कवर बना रही हूँ मैं इस प्लांट होल्डर के लिए, बहुत ही प्यारा लगेगा क्योंकि ये बांधने की डिजाइन है, तो इसका क्या ही कहना। और यहाँ पर स्लीव्स जो है, इसमें जो भी अंदर एक्स्ट्रा जो मशीन लगा होता है ना कपड़े का, उसको भी मैंने खोल दिया है और कुछ इस तरह से मैंने इस डिब्बे को इसमें एंटर कर रही हूँ। अगर आपका कपड़ा छोटा है, अगर आपकी एक स्लीव्स में ये नहीं आ रहा है, तो आप दो स्लीव्स को खोलकर भी अपने प्लांट को इसमें लगा सकते हैं और ये बहुत ही प्यारा लगेगा। तो फ्रेंड कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा खोल कर भी इसको बड़ी आसानी से इस प्लांट होल्डर को मैंने पहना दिया है और आप देखेंगे तो यकीन नहीं कर पाएंगे, बहुत ही प्यारा लगता है फ्रेंड। तो इस तरह से आप बिल्कुल जीरो कॉस्ट प्लांट होल्डर घर पे तैयार कर लीजिए और आप इस तरह से इसे तैयार कर लीजिए। एक्स्ट्रा जो नीचे का है वो मैंने कट कर दिया है, लेकिन जब मैंने कट किया ना, तो नीचे इसकी स्लीव्स को देखिए कितना प्यारी सी इस पर डिज़ाइन की हुई है। अब हम इसे ऐसे तो निकाल नहीं सकते हैं, तो मैंने इसका भी एक यूज़ किया है, वो भी आप देख लीजिए। अब इस तरह से देखिए घर में कितना प्यारा लग रहा है अगर हम इस तरह से प्लांट को रख रहे हैं। और फ्रेंड अब इसकी जो स्लीव्स थी ना, इसके ऊपर इस तरह की डिज़ाइन थी, तो इसको इधर से मैंने कुछ थोड़ा सा कट लगा दिया और इस पर मैंने दूरी एंटर कर दी है। स्लीव्स पर एक डिज़ाइन के लिए अलग से कपड़ा था, इसलिए मुझे कुछ और करना नहीं पड़ा और ये नेफा पट्टी जैसा बना हुआ तैयारी था। और फ्रेंड कुछ इस तरह से मैंने इसमें दोरी को एंटर किया और हमारे जितने भी चार्जर के वायर हैं इन सब को लेकर मैं कुछ इस तरह से इस पर टाई कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आपके पास आयरन के वायर है, इसको भी आप इस तरह से रख सकते हैं, बहुत ही ईजी है, दिखने में भी सुंदर लगेगा और बिल्कुल जीरो कॉस्ट आपने इसे तैयार कर लिया है। जी हाँ फ्रेंड, बस आप इसे आप नोट लगा दीजिए, जितना भी आपको फिट करना है इतना आप इसे फिट करके रख सकते हैं। और देखिए हो गया एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर हमारा रेडी। अभी जाइएगा नहीं, अभी भी हमारे पास एक स्लीव्स बची है, उसका क्या यूज़ किया है वो भी आप देख लीजिए। अभी स्लीव्स का मैंने क्या किया है, यहाँ ऊपर की साइड से एक साइड से मैंने सिलकर इसका झोला सा बना दिया है और इसके अंदर आपकी जो भी एक्स्ट्रा चंपल है, मोजड़ी है, जूते हैं, इन्हें बड़ी आसानी से आप रख सकते हैं। और इस तरह से अपनी कुर्ती का पूरा रीयूज़ कीजिए। मैंने आपके साथ बहुत सारे कुर्ती रीयूज़ के आइडिया शेयर किए, उन सबके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप जरूर से वहां जाकर भी अलग अलग और आइडिया देख सकते हैं और आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।